This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए नूरपुर में महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान पूर्व विधायक पूर्व मंत्री सहित जिला व मंडलों के पदाधिकारी तथा पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मोदी सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा ने फैसला लिया है कि केंद्र की मोदी सरकार की जनहित में चलाई जा रही योजनाओं व जनहित के विकास कार्यों को आमजन तक पहुंचाया जाए। यह कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष 30 मई 2023 को पूर्ण हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि पिछले 9 वर्षों में जो ऐतिहासिक कार्य मोदी जी ने किए हैं देश में उनका प्रचार प्रसार आम जनमानस के माध्यम से किया जाए और उसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने एक महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है जो कि 30 मई 2023 से शुरू होकर 30 जून 2023 को ख़त्म होगा, जिसके माध्यम से पूरे देश में पार्टी ने ये लक्ष्य तय किया है कि 5 लाख विशिष्ट परिवारों के साथ जो है संपर्क साधा जाएगा और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र पर 1000 विशिष्ट परिवारों से और प्रत्येक मंडल पर 60 विशिष्ट परिवारों से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है घर घर जाकर जो है वो जनसंपर्क अभियान को चलाएगी और मोदी जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेगी। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में भी आज जिला नूरपुर में और सभी जिलों में जो है वो ये अभियान की शुरुआत हो रही है। आज जिला नूरपुर में मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मेरे साथ डॉक्टर अजीत भारद्वाज जी, अपने यहाँ के विधायक श्री रणवीर निक्का जी, पूर्व में विधायक रेनीता धीमान जी व पूरे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और इस जिला में जो संगठनात्मक जिला हमारा नूरपुर में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमने प्रदेश में ये तय किया है कि लगभग 9.54 लाख लोगों से जो है वो हम संपर्क साधेंगे, जिसके माध्यम से मोदी जी ने जो भी 9 वर्ष में किया है और 9 वर्ष में आपने देखा होगा कि हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, हर एक क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य लोगों को, मुझे लगता है कि सरकार जिन गारंटियों 10 गारंटियों के साथ आई थी, अभी एक भी गारंटी जो है वो जनता के माध्यम से पूरी नहीं की है। उन्होंने 10 गारंटियाँ, उन्होंने पहली गारंटी जो OPS की ली थी, अभी OPS का कोई जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। और जहाँ बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है लोन की लिमिट कम कर रही है या हमारे को जो है वो जो NPS का पैसा वापस नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब NPS लागू किया था तो माननीय वीरभद्र जी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और पूरे देश में पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था जिसमें ये लागू किया गया था। और उस टाइम वीरभद्र जी ने केंद्र में सरकार भी कांग्रेस की थी, उनके साथ MOU हुआ था, तो MOU के तहत ही जो MOU उस समय हुआ था तो केंद्र सरकार उसके कारण ही निर्णय लेगी। और जहाँ तक 1500 रुपये की बात है, आप बता दीजिए किस महिला को 1500 रुपये ना दिया। 125 यूनिट जो है वो जयराम जी की सरकार दे रही थी, वो 125 से गए, 300 यूनिट तो उन्होंने क्या देनी है। आप 80 रुपये जो है वो गाय का दूध खरीदने की बात करते हैं, 100 रुपया जो भैंस का दूध खरीदने की बात करते हैं, 2 रुपये किलो जो गोबर की बात करते हैं, आज किस का दूध, किस परिवार से इन्होंने दूध खरीदा ये भी बताया जरा थोड़ा। 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 लाख लोग छोड़िए, लगभग 2 लाख के करीब तो टोटल एम्प्लाइज हैं हिमाचल प्रदेश में। अरे 5 लाख लाएंगे, 2 लाख के साथ ये हाल है, फाइनेंशियल कंडीशन खुद मुख्यमंत्री रोज बोलते हैं। 5 लाख पोस्ट क्रिएट कैसे होती है पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, बोलना बड़ा आसान होता है। अंतिम सवाल है, अब जैसे लोकसभा चुनाव के लिए अब 1 साल ही रह गया पूरा जी, तो जिस प्रकार से विपक्ष की भी एकजुटता दिख रही है और जैसे पहले हमने स्टेट हारा प्रदेश हिमाचल और कर्नाटक में हार, तो लगता आगे थोड़ी सी राह जो है मुश्किल दिख रही है। देखिए जब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है तो हार चली जाती है,
और पार्टी लेवल पर हिमाचल प्रदेश में समीक्षा की है और उसके अकॉर्डिंगली जो आगे लोकसभा में जो है हम पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछला भी चुनाव मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ी 0.9% से हम हारे हैं, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी ने जो रणनीति तय की है मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी फिर 2024 में प्रधानमंत्री देश के बनेंगे और चारों के चारों लोकसभा सीटें जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नूरपुर से बलजीत चंबियाल की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।